मिर्जापुर के पॉपुलर हॉस्पिटल में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। मृत्यु हो जाने के बाद भी इलाज के नाम पर परिजनों से पैसा वसूला जा रहा था। जानकारी के अनुसार सोनू यादव पुत्र राम सकल, जिसकी उम्र 22 वर्षीय थी, सोनभद्र जनपद के घोरावल थाना का निवासी था। परिजन उसको लगभग 10 बजे सुबह मिर्जापुर के पॉपुलर हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाए थे। डॉक्टरों ने उसे एडमिट कर लिया, इलाज चलता रहा और मोनू यादव के इलाज के दौरान शाम 6 बजे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने के फिराक में पॉपुलर हॉस्पिटल के प्रबंधन के लोग पड़ गए। पहले ही एडमिट होने के समय ही पॉपुलर हॉस्पिटल के लोग परिजनों से मोटी रकम वसूल लिए थे। ये हम हैं, ये हमारी सूरतें हैं और हम मानव हैं। इसको दरकिनार करते हुए अस्पताल के लोग मृतक होने के बावजूद पैसा वसूलते रहे। इलाज के नाम पर दवा ड्रिप चलाने के लिए भारी मात्रा में वाटर मांग कर रखे थे। परिजनों के अनुसार हालत ठीक ना होने पर कहीं अन्य जगह इलाज करने के लिए मोनू को ले जाना चाहिए था, लेकिन मर चुकी मानवता के शिकार अपने एक बड़े ब्रांच पॉपुलर वाराणसी भेजने की फिराक में थे अपने एम्बुलेंस से, ताकि वहां भी वसूली हो। मृतक मोनू के किसी रिश्तेदार जो मेडिकल का जानकारी था वह भी मौके पर पहुंचा। देखते ही उसने कहा कि मोनू तो खत्म हो गया है, फिर क्या था। परिजनों में कोहराम मच गया, डॉक्टर के ऊपर आरोप, वसूली और लापरवाही का लगने लगा हंगामा। होते देख मामले को संभालने के लिए सारथी पुलिस पहुंचती है। सीओ सिटी सहित कई थानों की पुलिस हॉस्पिटल कैंपस पर पहुंच जाती है। मृतक मोनू के पिता राम सकल से समझौते की बात शुरू होती है। पुलिस बनती है सारथी और भारी भीड़ के हंगामे को पुलिस अपने स्तर से शांत कराती है। अंत में देर रात गरीब और मजबूर पिता से पुलिस के समक्ष समझौता करा दिया जाता है। इलाज में खर्च के नाम पर 28,000 रुपया दे दिया जाता है। वहीं पुलिस का तर्क है और माना अस्पताल प्रबंधन का तर्क है कि मृतक मोनू यादव कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था और परिजन उसे गंभीर अवस्था में पॉपुलर हॉस्पिटल ले आए थे और किसी अन्य जगह इलाज भी कराए थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या हम मान लें कि आपका स्वास्थ्य भगवान के रूप में जल्लादों के हाथ में है? निजीकरण के दौर में पूंजीपतियों के खजानों को भरने के दौर में क्या मानवता दफन होती जा रही है? मिर्जापुर से महेंद्र पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राम सकल। राम सकल, क्या मामला है जो अभी यहाँ पर आप लोगों ने कहीं दवाई करावी? 10 बजे भर्ती कैली बोलत बतिया, डॉक्टर खुद पूछना है तो नाम बताए सर, एक बार भर्ती करे ना दवा फवा करे तो न पार हो गया, अब कौन हम बताई बहु। क्या लड़के को क्या हुआ था? लड़के के साहब हम ना बता सको का हुई, रोड पर आई कौन गिर गया रहना और सरकारी अस्पताल में दूसर कोई भर्ती कराए सब हम नहीं बाद में भी चलिए। गांव कहाँ पड़ेगा आपका? हमारे गांव सतवहाँ है। सतवहाँ किस थाने? घोरावल थाने, घोरावल सोनभद्र से आप? हाँ। अच्छा, तो कब आप लोग यहाँ पर आए थे? यहाँ पर आए थे हम लोग 10 बजे आज। लड़के क्या नाम था आपका? मोनू यादव। शादी हो गया था? उम्र कितना था? 20-22 साल का। शादी हो गया था? हाँ। उनके लड़के भी हैं? ना है। तो क्या लगता है कि हॉस्पिटल वालों ने लापरवाही किया किस तरह से? हाँ, लापरवाही किए से सर एकदम बोलत बतिया तू आल है यहाँ, ये लोग के भर्ती भल है ये नाम पूछना है डॉक्टर बताए से अपन नाम। अच्छा, तो शाम तक उसकी एक बाद 5 बजे ले लंगना जा कह 4 बजे लेके जा, अब तू लोग का कहा लेके ले जाओ है वाली अस्पताल हो रही बनारस कहीं कहाँ बता। अच्छा, पॉपुलर हॉस्पिटल बनारस में? हाँ, लगना भेजे तब यहाँ भाई जो आईना से हमारे सरुआ का लड़का है तो और कोई कहा ना ही उतना दिन न चले, ये लोग रिफर लिखे हम एहरे दवा कराऊ। तब से दू है जब एम्बुलेंस वाला आल हत कहला कि तो लड़के मर गए, भाई लोग झूठे फनवाए हैं। कौन कहा कि लड़के मर गए? वही लड़कवा जन सुतर हल जब एम्बुलेंस बोलौना हजा तो वो गाड़ी वाले एम्बुलेंस वाले उतरी के गईना है, जब हाथ पकड़ना है तो कहा ये डॉक्टर तो गलत का पैसा ले रहा है सलाह है ऐसे कर तब हम लग गई। अच्छा, एम्बुलेंस वालों ने कहा कि हाँ गलत पैसा ले रहे लोग? हाँ, के भी मर चुका है लड़का। एम्बुलेंस वाले थे मौके पे थे उसमें? हाँ, वो आया था गाड़ी लेकर ले जाने बदे, लेकिन वही लोग गईना जब वहाँ देखें कैसे। आपका क्या नाम है? राम सकल। राम सकल सर, एक घटना हुई है पॉपुलर हॉस्पिटल में, एक व्यक्ति युवक की मृत्यु हो गई थी, क्या घटना थी किसे? ये मोनू यादव सोना राम सकल यादव हैं, ये सतहवा घोरावल के रहने वाले हैं। ये कल जो है घोरावल में जो है इन्होंने पॉइजन खा लिया था, जिसका प्रारंभिक इलाज जो है कल जो है इन्होंने घोरावल में कराया था, आज जो है पॉपुलर हॉस्पिटल में ले आए थे जहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। विधिक कार्रवाई में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है।
आगे जो भी जांच होगा, जो उसके घर के लोग जो भी लिख के देना चाहते उसकी जाँच। सर क्या घर वालों की क्या मांग है, किस तरीके से? नहीं, घर वाले लापरवाही की बात करें, जो भी जांच होगी अपने जो लिख करके देना चाहते हो देंगे। ठीक ठीक।